सेगमेंट के अफराब से एक तूफान उमड़ के आया है और मैं ये कहूँ कि 2019 5 अगस्त 2019 को जो सियासत के साथ और हमारे लोगों के साथ जुल्म सितम की जो चक्की चली चलाई गई, हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी इंसल्ट की गई, हमें हमारा अपना आयन, हमारी स्टेट 370-35 से ये सब उसके उसका एक जोश है जो जो मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर्स के ज़रिए जो बाहर निकल के आएगा। और ये जो लोगों का जोश है जो मैंने अपने दो इकतदार में जो यहां डेवलपमेंट करवाई थी और जो मेरा आगे मंशूर डेवलपमेंट करवाने का है, जहां नौजवानों के लिए एक स्पेशल पैकेज, यहां टूरिज्म सेक्टर में हम काम करें, यहाँ मेडल में मेडल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाएँ, सूबा रजौरी पुंछ पीर पंजाल को सूबा का दर्जा दिलाएँ और पीर पंजाल को अलग से पार्लियामेंट्री सीट दिलाए। और ये सब चीज़ें जो हैं मेरे उस मंशूर में हैं, जिसको समझता हूँ मैं कि ये लोगों की हमदर्दी और लोगों का प्यार मेरे साथ रहा, जिससे जिस तरीके से मैंने ये काम किया। और आज इंडिया अलायंस की तरफ से मैं मुश्तरका कैंडिडेट हूँ, मैं कांग्रेस के यहाँ लीडर फारूक साहब हैं, हमारे मैडम परवीन अख्तर जी हैं और मेरे तंजीम के जितने जुमा और सीनियर हजरात हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि उनका एक मिला जुला प्यार का रद्द अमल है। सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे एक जम्मे गफीर एक पूरा यहाँ का मेंडर का जो है 99% जो सपोर्ट हमें इंशाल्लाह मिलने जा रही है और हम इंशाल्लाह कामयाबी से हम कनार होंगे। देखिए, हम पावर में आएंगे तो हमारे हाथ में भी कुछ होगा। हम इसीलिए हमारा मैंडेट ही 370 और 35 ए पे हम मांग रहे हैं और हमने हमारे लीडरशिप ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम लीगली पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पे हम हमारी लड़ाई जारी है। अगर हमें अक्सरियत मिलती है तो हम इंशाल्लाह ताला एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट को भेजेंगे और 370 और 35 ए जो हमारा बुनियादी हक है उसको वापस लेने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।